star is born. The star is Fiji Engine TV, featuring a live web TV show covering news, current affairs, sports, Bollywood gupshup, Kaunchi Pakaya, Ao Chat Kare, FITV Talent Time, live coverage, and more. Join us with your host Param Sivan. Fiji Indian TV, providing entertainment for the Fiji Indians around the globe. Every Sunday from 1 p.m. www.fijiindiantv.com. Be there. जी हाँ, ये है Fiji Indian TV और मैं हूँ परम शिवम. हमेशा की तरह विश्वजीत का भी प्यार भरा नमस्कार जितने भी दर्शक हैं. Welcome to the live telecast. Episode number 66, जीत और परम जी, नो जी. नमस्कार, निसंबुला एवरीबॉडी. आप सभी को हमारे स्टूडियो से तहे दिल से स्वागतम. स्वागतम, यस ऑफ कोर्स, स्वागतम स्वागतम. एंड सॉरी, आपके माइक को फ्रायर, अब हम स्विच कर दिया, आपकी आवाज अब स्वागतम क्लियर. हां, एपिसोड नंबर 66 है ना जो कि दोस्तों, हाँ. आप वाचिंग दिस प्रोग्राम, आपको हम बता दें कि आप चैट रूम में जा सकते हैं, व्हिच इज ऑन www.radiosana.com एंड spicysarab.com, fijishadi.com इत्यादि सब वहीं पर है. यू कैन गो टू द चैट रूम. विश्वजीत बैठे हैं पैनल लेकर आपसे वार्तालाप करने के लिए. बिल्कुल. और साथ साथ में, हाउ कैन आई फॉरगेट ज़ूरा, परम इज वन ऑफ द स्पॉन्सर्स ऑफ. यस, ज़ूरा इज वन ऑफ द स्पॉन्सर्स. एंड साथ साथ में डॉक्टर अनिल जी है हमारे स्पॉन्सर भाई. ज़ूरा स्पोर्ट्स, ज़ूरा स्पोर्ट्स. ज़ूरा का टी-शर्ट नहीं मार के इस लड़का आज. नहीं, आप कैसे हैं? कैसे था आपका वीक? गुड, वेरी गुड. बाहर नॉट बैड, इट्स नॉट बैड, इट्स गुड टुडे. या, इट्स अबाउट 18 डिग्रीज एट द मोमेंट. 16 माइनस सुबह उठा था तो गोइंग अप टू आई थिंक 20. So episode number 66 and we're talking about health and of course it is sehat. Hamara sehat purane kahote chiz ji bolte hain, health is wealth. Health is wealth. Health is wealth. हम स्कूल में थे जो पुराने जमाने के हमारे टीचर थे जो हमको जो छड़ी लेकर थोड़ाते थे ग्राउंड में ना बदमाशी करते थे. Health is wealth. Yeah. By the way, feedback साहब कि आप लोगों का जो गाना था last week was wonderful and tremendous and someone is actually looking forward आज नोजी का गाना. But हम उन लोगों को ये बताना चाहते थे थोड़ी सी training field में भी डेंजल वाशिंगटन जी, sorry अंकित जी, जो जब आएगा तो धूम से आएगा, धूम धड़ाके से, धूम फो. heavily into training and अपने रियाज कर रहे हैं. जी जरूर. सुबह आपने हारमोनिया लेकर बैठा था सुबह शाम. कौन सा राग प्रैक्टिस करा सुबह? अभी तो सारे गामा चल रहा है, वहीं से सब शुरू करते हैं. एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस लास्ट संडे. वी हैड अ हेल ऑफ अ टाइम इन योर प्लेस. वंडरफुल. इनवाइट करते रहे, इतना अच्छा लगा. इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस आई लाफ बिकॉज़ सम ऑफ द जोक वी हैड वर नॉट टू बी रिपीटेड ऑन द लाइव टेलीविजन. के कुत्तू. They were clean, but thank you, yes. And thank you, lovely Mrs. and your family for hosting us. And we had a lovely time. खाना खाया, बहुत ज़्यादा खाया. जो जो आए थे उसको जो जो नहीं है मिस कर चुके हैं. एंड कहीं कहीं पर राजन ने फेसबुक में देखा है कुछ हमारे दोस्त कुछ मुर्गी छोके कुछ का कोई खांसी मारे और कुछ मुर्गी कहीं चढ़ाई से. तो अब वो गल थ्रू दोस थिंग्स इन द स्लो को चूल्हा में कौन सी बोले इसका स्पिट फायर स्पिट स्पिट बारबेक्यू ना. So yes, our streaming partners is radiosun.com and please do subscribe if you're watching us on YouTube. ताकि तेजी के साथ हम आपके साथ बढ़ सके और आपसे दोस्ती बना सके. और some news and events, कुछ announcements है हमारे पास, जैसे कि we got some show planning and आज हम officially उसको announce करेंगे ना. We'll talk about that. Yes. Plus दुनिया में क्या हो रहा है guys, what's happening? I'm out of touch. किसी ने फरमाया कि पर हम TV देखें नहीं, वो TV करें हैं. But yes, that is the truth. Any news snippets? अभी देखा जाए तो फ्रेश न्यूज़ ये है कि कहा गया कि जो बोट पीपल ना आते थे यहाँ इंडोनेशिया से, तो दे एक्चुअली पेइंग देम कैश. सो दिस इज़ अ हॉट न्यूज़ एट द मोमेंट. बिग कंट्रोवर्सी. बिग कंट्रोवर्सी. अभी सुबह को जो एबीसी न्यूज़ था उसमें हमारा जो फॉरेन मिनिस्टर है मिस्टर डटन, हाँ, उसने भी डिनाई किया है. हाँ, वो कह रहे हैं कि बोट वापस करने के लिए उनको कैश पैसे दिए जा रहे हैं. सो हाउ फार इट्स ट्रू वी डोंट नो एट द मोमेंट. आवर पीएम हैज सेड दैट वी विल डू एनीथिंग बाय हुक और बाय क्रूक टू कीप देम अवे. सो उसने भी डायरेक्ट आंसर नहीं दिया. अपेरेंटली $5,000 ईच दिया गया है अलेजेडली टू द क्रू मेंबर्स. अच्छा अच्छा, इट्स बेटर देन पेइंग देम हियर फॉर रेस्ट ऑफ द लाइफ, पुटिंग देम इन व्हाट यू कॉल. बस नाउ देयर इज अनदर लूपहोल नाउ. लीगली है कि उनको पैसा देना पड़ेगा इन एवरी टाइम टू गेट द बोट बैक. 10% ऊपर कर देंगे वो. सब लाइन लग जाएगा जिस एयरपोर्ट में. नहीं, प्लेन आकर लाइन होता है. वो बोला उसको 5,000 दिया, मुझको सीख दो. Yeah, so that's what's happening. Is there election coming in America?
Hillary Clinton ka uska jo speech tha na. Don't know. Is it this year or next? Probably. Yeah, next year, I mean, elections are next year. I thought probably the elections coming or something. Yeah. But it was a very well delivered speech. Well, that's good. हमारे जो listenership हमारे viewership भी बढ़ रही हैं, हम स्वागत करना चाहते हैं उन लोगों को जो पहली बार इस प्रोग्राम को देख रहे हैं Fiji Indian TV. Salute, and, welcome. You know, we are into the 66, and hopefully we keep on going with all the blessings from you guys and support. And you know, we look forward for every Sunday. हम आ जाते हैं आपसे जिंदा बात करने के लिए ना. Life and कुछ दिन ऐसा we doing new things and बक्सा बाकी भी खरीदने के लिए Fiji वाला cotton for us to sing a song. People are saying कि you guys should do more. तो हम ये बताते हैं कि हाँ हमको अगर प्रोत्साहित करेंगे प्रोत्साहन देंगे तो of course हम लोग अपना थोड़ा थोड़ा कलाकारी दिखाते रहेंगे. By all means we are not trained professionals or teachers in music field, but we just hobby. I'm very motivated as well. हम लोगों ने आपको इंस्पायर किया, आप जरा सोचिए कि और बाकी के कितने लोगों के जो इंस्पायर हो गए सुनकर हम लोगों के टूटी फूटे बात ना. बिल्कुल देखा जाए, आई मीन देयर इज नो प्रमोशन फॉर पीपल आउट देयर ना, जैसे कहते हैं ना, आई मीन वी केम हियर, आई मीन देयर वर सम ग्रुप्स दैट एक्चुअली गिव अस चांस टू सिंग, बट वैसे देखा जाए मोस्ट पीपल हैव गॉट टैलेंट बट उनको चांस नहीं मिलता ना. सो दिस इज द फोरम बेसिकली, दिस इज द जो बोले है बंद कली को जब खुलना है फूल में ना, गाना था ना बात करता तुम्हारी बंद कली हम तो सुधर रात कली बंद कली. Well, okay, that's been good. How has your week been, guys? कैसा रहा आप लोगों का सप्ताह? नजी Mine was good, okay. As usual, आज सब सुबह प्रोग्राम हुआ, बहुत अच्छा प्रोग्राम था. I talked about a little bit about health as well. Yes. More to do with fitness and training, or you know, how you set your goals. अच्छा था, it was very good. My week was very busy this week. I had a good week. Business wise, so coming to the end of the year, of course, headache rahega. काफी लोगों के पीड़ा दिया इसका मतलब तो? नहीं पीड़ा हमने कम किया, pain relief. Relief किया. जितना prostaglandins वगैरह जो बेचारे produce करते हैं, inflammatory जो amines होते हैं, inflammatory mediators, उसको तंग करते तो उसको हम Nurofen वगैरह दे परेशान करते. किसी ने मुझसे पूछा था, doc से पूछना है कि वो Medibank private card accept करता है कि नहीं? हाँ, most doctors will accept it. वो क्या होते हैं, हमारे पास एक स्वाइपिंग मशीन होता है, हाई कैप्स बोलते हैं, HRCAPS. तो इफ़ यू वांट अ हेल्थ फंड, हम ऑन द स्पॉट वो अपना कार्ड जिसे क्रेडिट कार्ड होते हैं स्वाइप करते हैं. And I think it's a norm now everywhere. All the doctors, most of them, एक दो है नहीं है. Paper चला भी था. But it's pretty much norm. क्योंकि कुछ जगह पर ऐसा होता है कि कुछ doctors they don't accept the Medibank private or health cover cards. They do the Medicare but not the Medibank private. Dental में तो Medicare cover नहीं होता है, except for the children का भी scheme होता है, कुछ नहीं. Kids के लिए कुछ है. Kids के from 2 years to 17 years, if you're under a certain income bracket, means tested. Through Centrelink, then you can get a rebate of up to $500 per child per year, until you are 17 years old. I think it's a very critical age for those little kids because parents ignore कर देते हैं कि बच्चे के दांत जब बढ़ते हैं. अरे भी दूधला दांत गिर गया, but दूधला दांत what age doctor? They start coming out at around about गिर जाए, जब सब गिर जाते फिर नौ जमे लगे. और नया तीस तो around about 2.5 to 3, because that's a very important stage. 6 months में निकले लगते हैं. Some kids even 5 महीने में, five and a half months, especially girls, नीचे वाले दांत baby teeth. और हम तो every week almost बच्चों में अंडर 5 years के उम्र के बच्चों का दांत उखाड़ते हैं, sadly, very very. They should actually जैसे ही वो दूल्हा दांत निकलने लगते हैं, उसको they should be cautious about it, टेढ़ा वगैरह. इसलिए government 2 साल से शुरू किया. कभी कभी लोग बोलते हैं 2 years में problem होता है. अरे हाँ, braces are expensive ना. The braces are very expensive. If you start looking at the age of 2 or 3, check कर लेना करो ना थोड़ा सा. We start diagnosing orthodontic टेढ़े-मेढ़े दांत का problem between age of 7 years and 9 years. Very important, I think. पहले था कि जब 12 साल के हो जाते दूध के दांत गिर जाते तब जाएंगे. Unless you have it in a hospital setting, public system,
through a dental school jahan par students wagera karenge sure wahan par bahut bhari waiting list hota hai yeah of course jab lucky replacement hote hote tab aata hai tumhara ticket girega I know jaise heart operation bhi hone ko hai to you know you wait down the track 10 years abhi latest news until you get a heart attack then actually they'll do elective surgery ka date abhi kafi badhte ja raha hai that's another bad news there's a reason for it and I think we can share this so we'll take a song but look guys there's a guy called Navleet Lal he lives in Melbourne and he's actually made a video clip out here so we'll play that song today and his friend is actually Kaushik ji sent me this video and it's called album ka naam aap zara dekh lijiye screen pe aayega and its name is Navneet Lal so I believe Lal hi hai to Fiji ka hi hoga hisab se but he's trying to see some so I think it's from Fiji kuch you know alag se dhune all the best gaate rahiye sunate rahiye guys nice voice original nice tune bahut acha laga mujhe original tha na don't can't say much for his hairstyle but voice is nice he composed a song na yes he does his own music too it's quite good very good impressive and yes Navneet Lal wonderful your voice is good as well and I think Fiji se hi kafi log tarakki kar rahe hain aajkal Fiji ke kafi log hai jo singing and I think there's no exposure it's very important that this people do get exposure so www.fijiindiantv.com mein is program ko aap dekh rahe hain aur hum aaj baatein kar rahe hain karne ja rahe hain kiske bare mein guys health ke bare mein sehat swasth sala sehat ki Fiji mein swasth sala kehte the na usko radio mein jo program tha aur koi channel tv nahi raha zamane mein khali behan ji aur odo ji bhai ko sunte the odo ji bhai soccer he was actually playing gujarati sashi was also announcer I think I've never heard sashi mahendra singh yeah he used to do quiz aap kitna jante hain he's the quiz master he's the voice of quiz mastering was he with Ben's Folly right oh yeah sashi aap kitna jante hain that was the thing Well, it's guys, good. Look, you know, hum health ke bare mein baat kar rahe hain because there's a lot of people out there who are unfit and fit hone ke liye bahut kuch karna padta hai. Lekin unfit aap kyun hote hain? And I think it starts at a very early age these days. Kafi logo ko main dekhta hoon bahut hi kam umr mein pet idhar aur chehra idhar. You know, I'm not condoning anybody by you know disclaimer is you know by all means ki hum not trying to condone anybody, but we're going to state a fact here today. कि सेहत कितना इम्पोर्टेंट है हमारे जिंदगी में व्हाट विल गो ऑन द सर्कल दिस वे एंड हाय अगेन एंड गिव आवर थॉट्स एज टू हाउ इम्पोर्टेंट हेल्थ प्लेज बिकॉज वी ऑल हैव डिफरेंट फील्ड्स ऑफ आवर वर्क आई थिंक वंस अगेन हमारा जो जेनेटिक्स और एनवायरनमेंट और जो हम अंदर लेते हैं ऑल इंटरेक्शन ऑफ दैट कौन सी लेते हैं खाना खाते पीते ऑस्ट्रेलिया एंड अमेरिका आर ओबीस सोसाइटीज ना ऑफिशियली उसको बोलते हैं कि फॉर आवर हाइट एंड वेट प्रॉब्लम मोर देन 50% ऑफ टीनएजर्स आर ओवरवेट एंड दैट इज सिंपली बिकॉज ऑफ द इनटेक ऑफ जंक फूड उसको बहुत प्रमोशन करते हैं यहाँ पर $2 में बर्गर $1 में फिजी ड्रिंक मिल जाता है सो जितना कार्ब्स खाना खाते हैं और द अदर थिंग इज लैक ऑफ एक्सरसाइज बेसिकली True. If you can balance your diet and your exercise और फिर mental health आ जाता है काफ़ी issues है नो जी I think जैसे आपने बोला the main thing that we are battling with is obesity or you know as in America it was a big thing but I think in Australia it is huge now because we're following the same trend as the Americans हम food जगह पर सही हम जो खाते हैं or with lack of exercise or I think the other problem is the knowledge that people really don't know what is good what is bad or simply we've just put it without sounding bad and not condoning anybody that it's ignorance ignorance about the facts koi bhi field mein jaise I'm not a lawyer na, so you could say that I'm ignorant about the law but in hamare field mein to hum mahir hai na yeah na 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 ji
Yeah, yeah. I mean, when we talk about health, is obesity is the one thing we always talk about. Mm. Because if you look at the kids these days, yeah, even physical activities they don't do, right? Yeah, yeah. Because kya hota hai ki, when we were young, I mean, our thing was, our health was very good because what we used to do, we used to eat whatever was cooked at home and then basically straight into the dal bhat kariya cha achar and basically back into the fields playing. Pahle activities jo tha, both log, you know, bahare the, you know, they're always out there. Aajkal to bahut andar cheez karte hain, log baithte hain, you know, 4, 3, 4, 5 hours, you know, we sit down here, computer. It plays a major role in what we do and how our you know health deteriorates or you know the diseases we get, because the important thing also is the external factors, you know, the environment, yeah, and you know what we are surrounded with, what we eat, that is the they say enough you become what you eat, basically. Or you become the product of the environment as well. Udhar dekhte jo most serious, sorry, you know, is things like cancer. You know, our environment mein ye jo asbestos hai, nitrosamine say, chemicals hai, preservatives hai. These are all bad chemicals. I think you alluded to that in our last program. Jaise hamara bowel mein jo proteins kabaj rehta hai na. To jo environment mein se hum lete hai jo, for people who eat meat, for example. No apologies to the vegetarians. Vegetable maybe hota hai, chemical spray karte hai, yeah, sir. Yeah, and we are taking that in. Yeah, I think it's the accumulation, all the accumulation of all these pesticides for so long, and yes, what happens generations over time, it builds up. It just builds up. Yeah. Or then the other thing becomes the season as well. Jaise abhi hum winter ke season mein hain, and it is very important ki, you know, how we carry ourselves in winter, because there are so many diseases out there, so many viruses out there, H1N1 H3N2, norovirus, and you know there's so many things. Udhar bhi merged chal raha hai, Middle Eastern Respiratory Syndrome, Asia mein. Yeah, big epidemic. So, you know, some of the viruses which are very strong strains, and when you're not careful, especially seasons like this, so zarur, you know, you are giving a chance for the viruses or bacteria to get into your system, and then ab acha strain ka virus aapko pakad liya, you are gone. So I think it also becomes the importance of hygiene aa jata hai usme, our the hand knowledge washing, simple hand washing, simple things are the main things, you know, because bahut viruses aise hote hain jo airborne hote hain, rhinoviruses jo hai jo aapke nose mein rehte hain, unko aapko pakadna bahut easy hai, you know, you are out there cheeky or aerosol ho jata hai, yeah, someone sneezes 2 meters, 1 meter, and that person, the it's airborne, or वो किसी चीज को छू लिया है, डोवा को छू लिया है, या कुछ छू लिया है, आपने छू लिया है, कुछ रोज में ऐसे भी कुछ नहीं छू को छू है, गड़बड़ है, यू हैव टू वेयर ग्लव्स, यू हैव टू वेयर हाथ धो ना, ढक्कन खोल के रख दो, हाथ धो लो, चाय उठा दे, हाथ धो, और लोगों को हम ये भी बता दें, जो वायरस है उसको माइक्रोस्कोप के नीचे हम नहीं देख सकते, ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप, यू नीड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. ऐसे हमारा सोर थ्रोट इन्फेक्शन बैक्टीरिया से होता है, कीटाणु, उसको डॉक्टर लोग देख सकते हैं, वो ये बैक्टीरिया है, वायरस यू कैन सी इट अंडर द माइक्रोस्कोप, सो एंड दे म्यूटेट वेरी क्विकली वायरसेस. So, why do you think there's a lot of people these days, khas tor par young jo hai, they are pidit hai, they are, you know, they get sick very quickly, because immune system nahi chala, the immunity, they don't exercise as much, aur wo pani nahi pite zyada. I think immune system is a big thing, because immune system only works well if you do actually, you know, you train, you do some level of activity. What's going on? Or level of the activity is very important. Plus the other thing is the food that we consume. Agar if you're eating unhealthy food, to aapka immune system it goes down as well, because you are missing the important ingredients or nutrients in your body, you know, the vitamins and the minerals, all these things are necessary, chote chote mein, trace elements jo bolte, trace elements, yes. And so those things are very important for your immune system, and if you do eat other things and any other kind of diseases or anything that is foreign and your body doesn't like, your immune system is always fighting against it, so your immune system does get weakened as well, na? Overworked hota na, immune system. Stress hota uska upar, na? So the more healthier you keep in terms of, one, your fitness, what you eat,
And also, I think the important thing is how you live. You know, our mindset be more important than that. I was just going to say motivation. You know? I was following you. कंसिडरेबली है कि वो जो हमारा जो माइंड सेट मतलब उठ के अच्छा हम जिम जाएंगे कि नहीं जाएंगे एक्सरसाइज वॉक जाएंगे कि नहीं ना और उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है मेरे ख्याल से टाइम इसे बोलते हैं आजकल टाइम पुअर ना पीपल जस्ट डोंट सीम टू हैव टाइम फॉर देमसेल्व्स कि हम एक घंटे के लिए कुछ नहीं करेंगे खाली कुछ एक सम फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज वॉकिंग जॉगिंग कुछ भी करेंगे ना ठीक है एक छोटा सा ब्रेक लेते किसी कोई आया है लगता है कोई डिस्टर्ब कर रहा है उनको मालूम जो भी लोग आ रहे हैं उनको मालूम है कि अंदर आने से पहले टेक्स्ट करना चाहिए कि हम जान जाए कि कब वो लोग आए हैं तो जो भी लोग आए हैं हम लाइक लुक गाइस द वीडियो आई एम गोइंग टू प्ले इज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज एक फीमेल लड़की गाना गा रही है वॉच दिस इसके बारे में बात करेंगे हम जो लोग नहीं देख सकते हैं लोकल और फॉरेन दिस इज फॉरेन ऑब्वियसली इट्स फॉरेन सॉरी नॉट लोकल बट इट्स नाइस रियली नाइस हैव अ लुक एट इट एंड ओके थोड़ी सी हमारे देश का जो कैलोरी इनटेक इनपुट है अगर आप देखेंगे हेडफोन मॉनिटर रखा कितना चीनी लेता है हम सब पीते हैं आई मीन आई हैड हेडफोन कान में लगा लीजिए ग्लास ऑफ स्कॉच विद कोक लास्ट नाइट स्विच है साइड में आपको हमारी आवाज सुनाई दे द बिगेस्ट कैलोरीज कम फ्रॉम फिजी ड्रिंक्स यस सुनाई आपको ठीक सही इधर ओके नहीं सुनाई नहीं आपकी आप सुनाई ना ऑल सेट ऑल गुड आपको सुनाई अब या ऑल गुड आपकी आवाज आ रही है ठीक है So, आवाज की दुनिया के दोस्तों आवाज की दुनिया के दोस्तों के दोस्तों के दोस्तों हम आज सरप्राइज फॉर मी एंड लेट्स एवरीबॉडी रेडी गाइस यप चलो लाइट साउंड कैमरा एक्शन Happy birthday to you.
Happy birthday to Doctor. Happy birthday to you. Yes, ladies and gentlemen, happy birthday once again, Doc, from us. Thank you very much. A nice surprise. That's why you didn't tell me what song you're singing. I said, you have a track ready? And yes. Saab ne bola ha ek track hai, when he didn't disclose anything. Yes, it's the... Very nice, thank you very much. 81 अगर आपको मौका दिया जाए हाँ अपनी जादू की छड़ी निकाले और बोले की डॉक्टर जी लो आपको हम भेज रहे हैं का अपना म्यूजिक वगैरह में परफॉर्मेंस करते हैं पीक परफॉर्मेंस ना अपना क्रिएटिविटी आपका म्यूजिक परफॉर्मेंस तो अभी ज्यादा है यार मैं लेट स्टार्ट था लेट स्टार्ट था आई थिंक द बेस्ट एज फॉर मेल्स 18 साल के तो हमारे पास तो दिमाग ही नहीं रहता है most of us think we are really mature at 18 yeah. medically boys don't mature until they're about 28 to 35 cognitive medical side girls a bit younger maybe 25 to 28, 30. But I think boys, mard, 30 to 35 before hamara jo cognitive jo ventricles ka jo development hota hai, that's when we really enlighten ho sakte hain, 35. Hum toh isse seekhte rehte jindagi bhar. But I think boys really don't mature males until you're about over 30. So 25 is the age you'd like to get, right? 25, 28. चलो हम प्रार्थना करेंगे ऊपर वाले से कोई टैबलेट बनाए ऐसा टैबलेट बनाए कुछ बोले सैमसंग का नहीं गलत टैबलेट जड़ी बूटी कोई ऐसा टैबलेट बनाए जहाँ पर इनको 25 साल की उम्र तक लेके जाए हमारे संस्कृत में एक नौजी यू कैन एक्सपाउंड ऑन दैट वो लक्ष्मण का वो जो जो जिल के रहा संजीवनी संजीवन बूटी है बूटी तो उसको जिला जिंदा करने के लिए बट इट गिव इट गिव हिम सदा जीवन लाइफ दिया था संजीवा मतलब है यू कैन नेवर डाई ना Well, it is something to give life, I think. But वैसे और भी तत्व है जैसे वहाँ पर आउट इन इंडिया जैसे एक तरह का जो शिव का टाइम जब सा था वो एक तरह की वो देते थे यू नो इट एक्चुअली रिजुवेनेट्स एंड आई डोंट नो इट्स योर एंटीऑक्सीडेंट्स और व्हाटएवर इट इज इन द प्लांट कुछ होएगा उनको बनाते थे टू एक्चुअली मेक पीपल लुक यंगर एंड स्टॉप द एजिंग इसीलिए शायद वो भगवान लोग ऑल द टाइम महाभारत में कीप लुकिंग जड़ी बूटी लेते ना लेकिन ये हमारे एक फ्रेंड का नाम संजीव है तो मैंने फिर रिसर्च करा संजीव कि यू लिव फॉरएवर जैसे अमृत को पी लेते हैं अमृत जो होता है वो किसी ने अगर पी लिया अमृत कहाँ पर मिलता है आई डोंट नो बट अमृत जैसे अमर हो जाता है तभी में जाएंगे बहुत है जरा आज है एपिसोड 66 में बातें कर रहे हैं हेल्थ के बारे में लेकिन थोड़ी सी हम डिटेल हो गए थे और वी गोइंग टू द रिलीजियस साइड बट यू नो हाउ टू कीप हेल्थ एंड वेल्थ इन आपकी जिंदगी में बट लेट्स स्टार्ट यू नो कि एक्सक्यूज मी किस तरह से हम हेल्थी रह सकते हैं गाइस फटाफट मारिए आई थिंक हमारा जो बॉडी है इट्स अ मशीन बिफोर वी स्टार्टेड दिस प्रोग्राम वी वर यंगर कितना सेल्स हमारे बॉडी में मर गए लास्ट 15 मिनट्स में राइट सो एवरी मिनट वी आर लूजिंग सेल्स दे आर डाइंग हमारा दिमाग में हमारा आँख में हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ना तो उसको किस तरह से हम सर्विस कर सकते हैं डिले करते हैं हाउ डू वी प्रोलॉन्ग लाइफ आई थिंक द मेन थिंग इज देयर पीपल वांट टू लिव हेल्थी दे वांट टू लिव लॉन्ग उसका दिमागी का जो संचालन है ना हाउ इट वर्क्स दे वांट ना कीप डिमेंशिया नहीं होना चाहिए तो ये जो माइनर थिंग्स है जिसे हम बोलते हैं कि भाई डाइट है ये है वो है इट ऑल बॉइल्स डाउन टू हम किस तरह से अपना सेल्स को हेल्थी रख सकते राइट डाउन टू द इंडिविजुअल सेल लेवल
फिर वहाँ से आगे जाते टिश्यू फिर ऑर्गन सिस्टम फिर हमारा एनवायरनमेंट हमारा फैमिली में जैसे कि कभी कभी मुठभेड़ होती है ना समटाइम्स वी हैव दैट इज अ स्ट्रेसफुल थिंग दैट कैन रिड्यूस योर लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा आई थिंक सो पर्सनली थ्री थिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट एक माइंड सेट है आपका यू हैव टू मेक श्योर दैट योर माइंड सेट यू ऑलवेज बी पॉजिटिव अब शुरू हो जिम ना यू वांट टू चेक द रिलेटेड फॉर्म ऑफ फिल कर दिया देखो बैग मिल गया बैग वर्क मिला उसमें सब मिलता है वाटर बॉटल नहीं आई हैव टू गेट इन माय ओन जूरा से लेना पड़ेगा भर्ती पे नहीं भर्ती पे आज मैंने वैसे आज आई हैड टू ब्रिंग द थ्री बुक्स एंड आई फॉरगॉट माय बुक्स है तो आज वो अच्छा था यू नो बुक दिखाने नहीं तो भर्ती पे हमला चेक कर लिया बस स्लेट और पेंसिल सब मिला उसमें नहीं नहीं वो नहीं भर्ती तुमने मिला ला भर्ती हो तो सब मिले उसमें फिटनेस फेस दे वे डॉक ओके दे हैव द हाउल इंस्ट्रक्शंस एज़ वेल साइकोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट कुछ भी आप करते हैं इफ यू वांट जैसे मैंने आज सभी सुबह जब प्रोग्राम किया था तो मैंने कहा था कि हम वो अवस्था में जा रहे हैं जब एक दिन हम बूढ़े हो जाएंगे उसका प्रिपरेशन अभी से होना चाहिए कितना एज में 18 हो या 20 हो या 30 हो या 40 हो यू आर गोइंग दैट वे एंड दैट प्रिपरेशन शुड स्टार्ट टुडे सो वन इज योर माइंड सेट विच हैज टू बी वेरी वेरी पॉजिटिव जितना माइंड सेट आपका पॉजिटिव नहीं रहेगा उतना नेगेटिविटी और स्ट्रेस आपको रहेगा एंड दोज थिंग्स आर अफेक्टिंग बिकॉज योर बॉडी आपका जो बॉडी है इट्स कंट्रोल्ड बाय द माइंड अगर ये हाथ से अभी मैं मूव करके कुछ उठाना चाहूँ अनलेस माई माइंड टेल्स मी आई कांट डू इट सो माइंड जो सोचता है जो बोलता है जो करता है वो बॉडी एक्सिक्यूट करता है बॉडी इज अ व्हीकल टू डू इट सो आपका माइंड अगर संतुलन नहीं अच्छा है माइंड का बॉडी इज यूजलेस तो माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट यू गॉट टू कीप पॉजिटिव वैसा ये जो हमारा नर्वस सिस्टम बात कर रहे हैं ना एग्जैक्टली उसमें जो विटामिन बी ग्रुप विटामिन इज वेरी इंपॉर्टेंट उसमें हम विल टच ऑन दैट एंड देन दी कम्स योर बॉडी तो बॉडी को क्या जैसे आप यू नो यू जॉइनिंग गोइंग टू द जिम जॉइनिंग बॉडी सेल्स जैसे डॉक्टर ने कहा है कि यू नो इट डाइज एवरी सेकेंड दे इज वाइज यू कैन keep fit with exercise and everything where your body your muscles are strong as well as the third thing which is your food the nutrition is the most which is the fuel right you give the body to kya hota hai ki jise fuel jo kya tum khate ho jitna zyada aap jise param ji bahut vegetables khate hain theek hai to वेजिटेबल्स में ढेर एंटीऑक्सीडेंट्स होती है जितने एंटीऑक्सीडेंट्स आप लोगे हमारे दही में बहुत फ्री रेडिकल्स होता है ना तो जितने सेल से अनस्टेबल सेल्स चार्ज रेडिकल्स बोलते हैं चार्ज रेडिकल्स जितने उसमें एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन कार्बन ज्यादा होता है तो हमको एंटीऑक्सीडेंट्स की ऑक्सीडेशन कम करना चाहिए इसीलिए स्टेबलाइज एंटीऑक्सीडेंट वो अनस्टेबल होता है ना तो वंस यू ईट लॉट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट इट गोज एंड फिल्स दैट सेल सो क्या होता है देन योर सेल्स आर स्टेबल सो जितना बॉडी में आपका फ्री रेडिकल्स रहेगा उतना हाल ही से आप बूढ़ा लगने लगोगे और कैंसर ज्यादा कैंसर हम लोगों को बता दे कि है का साधारण भाषा में समझा दो तो फिर फ्री रेडिकल्स जैसे हमारे जो पॉइजन ना हमारा जो इट इज अ पॉइजन हमारे अंदर जितना ही सेल्स है दे हैव टू बी स्टेबल अभी कुछ स्टेबल अभी एक प्याला रख दो और स्टेबल जगह नहीं रखा तो क्या गिर जाएगा ना पानी है उसमें इसी तरह हमारे बॉडी में जो सेल्स है दे ऑल हैव इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स तो अगर वो जैसे हम बिकॉज हम इतना चीज अपने दही में लेते हैं वो उनको क्या करता है उसमें से एक जो एटम है इलेक्ट्रॉन है उनको निकाल लेता है तो अनस्टेबल हो जाता है तो जब हम ढेर ग्रीन्स खाते हैं इसमें बहुत एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं ये जाकर उनको फिर बैलेंस कर देता है ठीक है तो देन उससे बीमारी नहीं फैलता है आपको यू नो जितने बीमारी आपके पास में घूम रहे हैं दे वोंट कम नियर यू तो भोजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जैसे बट परम जी उससे पहले मैंने पहले भी बोला था ये कि इंसान को जैसे हमारे पास थ्री बॉडी टाइप्स जो है वो जानना बहुत ज़रूरी है और इसको मैंने मेसोफो और एक्टोमोर्फ ये तीन बॉडी टाइप जब इंसान जान जाएगा देन दे विल नो व्हाट टू ईट अभी जैसे आपका भोजन जो प्रिस्क्राइब्ड है वुडंट वर्क फॉर माय बी डॉक्टर यू नो एंड देन द एक्सरसाइज इज डिफरेंट एज वेल डॉक्टर के भोजन में तो मैंने कल एक लड़का देखा इज 36 जैसे हम फिजी में बोलते हैं सुटुक्का ना ही ईट्स एवरीथिंग ही सो स्किनी उसका काठी बोलते हैं ना तो एक्टोमोर्फ उसका हां वो एक्टोमोर्फ है उनको कितनों भी खवाओ उसका काठी ही नहीं चाहे वो मोटा होगा ही नहीं यू नो होगा बिकिन फूड टू सूट हिज बॉडी टाइप ना यू नीड टू ईट फूड दैट सूट्स योर बॉडी टाइप तो कार्ब्स बहुत लोग हमारे हमारे सब लोग बहुत भात खाते हैं ना भात दे दो और अगर क्या बोलो उसके पोटैटोज ना और ब्रेड स्पड्स
These are actually very, very harmful for your body. These things are not in moderation, it's okay. फिर आपका अवस्था जैसे जाने लगता है तो आपका जो बॉडी है जो होल प्रोसेस स्लोज डाउन ना तो आप उसको ढेर फ्यूल ढेर खाना दोगे क्या होगा वो इट विल अकुमुलेट एज फैट ना तो फिर वहाँ से बीमारी शुरू हो लगता है एंड देन इट कीप्स गोइंग सो दोज थ्री थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट माइंड सेट बॉडी में जैसे आपने कहा जितना एक्सेस शुगर है इट गोज स्ट्रेट इन टू चर्बी चर्बी एग्जैक्टली आई थिंक अभी क्या है कि हम लोग तीन लोग यहाँ पर हैं जो मेडिकल फील्ड से संबंधित हैं एंड जीत इज एक्चुअली नॉट एक्चुअली इन रिलेशन टू द आई थिंक लेट्स पर्सपेक्टिव फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव ऑफ योर साइड की एक आम आदमी आप है आप कितना इम्पोर्टेंस डालते हैं हेल्थ पे फूड पे ये सब चीज पे एंड आई थिंक देन वी कैन टेक इट एज अ पर्सपेक्टिव एंड सी कि इंसान क्या करते हैं बिल्कुल पर हमें देखा जाए आई मीन इट ऑल डिपेंड्स आई मीन इंडिविजुअल है ना कि क्या है व्हाट आई मीन इट ऑल डिपेंड्स जैसे टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट से डॉक्टर ने कहा पीपल को या इन ऑस्ट्रेलिया पीपल आर डोंट हैव इनफ टाइम तो देखा जाता है कि व्हाट टाइप ऑफ वर्क ही इज डूइंग बेसिकली लेकिन आप क्या करते हो दिस क्वेश्चन इज बिल्कुल सो व्हाट टाइप ऑफ वर्क डू आई डू व्हाट आवर्स डू आई वर्क एक 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 क्वेश्चन ये होता है ना हमारे लिए कि आपका आवर्स क्या है या दैट इज अ प्रॉब्लम ना देखा जाए द ओनली फ्री आवर्स वी गेट इज आदर इन द मॉर्निंग्स ओ क्योंकि बाय द टाइम आई स्टार्ट एंड आई गेट बैक होम इट्स क्वाइट लेट बेसिकली यू नो आई लीव होम अबाउट 7:30 in the morning. I don't get home till 9, sometimes 8:39. Eat late. Most of us. Eat late. So the only time I get is the time before I go to work. Is the only time. Which just, that's why I was asking how many times get the gym is to what time do this to people open into the routine. Yeah. So you're making an effort. For mindset, jo chal raha hai ki ye log fit rahe kare to time it's about time na. Yeah, because health is important. Because if you don't have a good health, I mean, you don't have everything nothing. Is Why did you egg question? Why did you suddenly decide to join the gym? It's important. But why did you realize that? How did you realize it? Because I'm getting unfit, no? I can feel it. No, because I'm getting to an age now, and also, and I used to play a lot of soccer. I used to play a lot of soccer. I was like this. But Mike, is it an influence from this boy or me or anyone we grouping together? No. It's not that. It's just. I mean, I want to do it. Feel things. Feel things because I'm not getting. Yeah, I'm not getting young either. So I got to start looking after myself. Because yeah, important. And then why I was asking that question because sometimes when the question comes around, you know, people talking about the same thing, people doing, and you also tend to become the part of the group you are, and you know you wanna because everyone inspires everyone in a way. Just my you know, I know I would probably have never wanted to sing if I wasn't with you guys, and that's subtly that's an inspiration that's coming from you guys, and that is important. Like the awareness comes, the people who are listening to us here. By us talking about this, you know, they get inspired as well. We send that message to them ki why this is important. Because they say, maine aaj subah jab maine program kiya tha, I said there should be specific goals. It's a SMART goal, then a specific, timely, attainable, all those things, measurable. All those things are important. Jaise aapne bola, samay, your time has to be specific ki count time because time is money. Okay. Yeah. You don't have time. But when are you going to take that time to do it? Is it in the morning? Is it in the afternoon? Where are you going to fit it with your timetable? Because everyone's life is so busy. Yeah. No one has time for themselves. Everyone has time to make money for others, to go here, to entertain others. But we don't have time in this mortgages world. Mortgages, families, kharch itne hai, we have to fit things into the time. You got to take the time. Now, that's the important thing. Isliye raat ko aajkal gym thoda zyada waste rehta hai. 24 hours khule hai. 24 hours. It's a recent phenomenon. I think only last 10, 15 years, say these big gyms have opened. And all the gyms, doc, you go to, even the ones across the road from us, it's full. Because awareness be it. Awareness, it is, yeah. And it's commercialized. Concept of there is no time, there is always time. You got to make time for yourself. Time is 24 hours. Yeah. Lekin wo samay mein hum kya karte hain for our family, ourselves, to generate our financial security. That's maha mark ha jate na. Well, why the goal? The goals you're setting has to be timely, right? When are you taking this time to do, and how are you using that time? How are you utilizing them? They say, like, you can spend 2 hours
and you say you're going to, you know, get into your fitness and then you don't do nothing, then how do you utilize that time? Mm. Is that time is important and manageable. You have to manage it. They say this, that's why we say take that small steps in training. Mm. Okay, you don't have to today, if you're listening to this, you don't have to suddenly go and buy some, you know, nice gym clothes and all that and start doing it suddenly, because you won't. The first thing you got to do is you got to make this plan. You sit down and you got to think how you're going to do it. Mm. What are your goals in life? You know, where you want to go? Aapka long-term goal kya hai? When you understand your long-term goal, say someone says, okay, I want to live longer for my children's children and I want to be healthy. Well, that's a good goal. But if you want to say, I want to get fit to wear a, you know, size dress 8, you know, after you have been to someone's wedding, you know what, you'll get back to dress size 10 again. Especially very if you're easy. an endomorph, the impossible. Yeah. Very easy. Because your goal is very short-lived. Mm-hmm. And you can't afford to do that. You have to have that long-term vision, ki, you know, where you want to go. Mm. Otherwise, gym jaoge, 2 weeks may finish. Yeah. Yeah, it will finish off. Nahi yaar, thak gaya. I don't want to eat. Burn out. Mm. Well, gym is one, gym, log kehte, exercise is one of the aspects. But aaj hum, our core topic today is actually sickness and benefits of how to benefit from keeping away from sickness. And being healthy. You know, kis tarah ke bimari dunia mein hai, a lot of diseases out there aaj kal hai, aur kis tarah se hum usse bach sakte hai, but very important factors hai, bahut hi bada topic hai, but aaj hum baate karenge, sirf, we'll touch a little bit on other aspects, but time bahut hi kam ja raha hai, time bahut hi kam mere paas, but diseases is what we're talking about. Tell me guys, what is the biggest disease? Individual se main puchunga ki aapka fear kya hai, kis disease aapko agar pakad le, you know you'll done. It's not a physical disease I'm worried about. Okay. Like cancer and all that. I think the worst thing is hamara mind jab chala jayega. If I get so dementia. Psychologically, so like aapka, dementia. Aapka dementia. Abhi no ji, aapka? Young logo ko hone laga hai. Pehle 65 years tha. Maine isi week ek ABC program dekha ki people in their 50s are getting dementia. So if your mind is good, I think then you can survive. Mera personally, a couple of reasons why I'm thinking this. My biggest fear is heart attack. Okay. Uska reason se hai ki, and I do cardiac angiograms, I see patients every day on a CT scanner. So sabka jo arteries hai, jo heart ka jo main arteries hai, I'd look at it every day. And very young boys, very young women have a lot of calcification in the coronary arteries. 30s, 40s. Oh, shuru ho jata hai. And then why I'm relating to myself, I eat healthy and everything, but my dad died at 52 with heart attack. Family history. His family history is very, very strong. So, you know, I'm always having this fear that, you know, I can go that way, you know. Okay. So I'm very, very careful with how I manage my life. So heart disease. Cholesterol level down. What about you, Jim? So heart attack, yeah. Diabetes. Diabetes. Yeah, I've seen a lot of people. I've seen a lot of people suffer through that. Mm-hmm. Okay, family mein, mere family mein hai. All my parents don't have it, but all my uncles. My family's got the 3 kilo following background: diabetes, high blood pressure, and cholesterol. All three, the genetics. Teen ticket maa. See, ek chiz hai, diabetes hai. You can manage it. Yes. You know, heart attack aapko maar diya. Wrong time. Well, put it this way: heart attack you can manage it as well. I mean, it's well, you can. Depends where you have it. Where in the environment. If you're somewhere on an island in Fiji somewhere and there's no AED machine or trained people, if it's in down in Liverpool, ambulance aaja ga phadak se. It's very critical, na? You're going to heart attack, you're going to heart attack. Or the artery mein jo build-up hota hai, usko atheroma bolte hai, fat deposits. Atherosclerosis. I think my biggest scare is cancer. And in a sense, it's not a scare, but that is probably the disease I would pick up is cancer. Second most, my fear. Because I think diabetes and high blood pressure, all these things can be managed once noted and known at a very early age. Mm. Heart attack in a country like this, I think if you have an heart attack, some people it happens at a very early stage and there is always a sign. Heart attack aaj kal bahut sign ho gaya hai. Thoda sa kuch aapko pata lage pira hai, then you'll reach to a hospital. Ya to kisi dost se bologe ki something like that. Cancer is something which is hidden and it's latent. Pata nahi chalega aapko. Late diagnosis anymore. No, and khas taur par, I think the topic I chose today, why it is important, is bowel cancer. I think because I've been seeing a lot of people coming with colonoscopy bags at my work, and I say, you know, young people and old people, you know, mixture of people, and you look at it, it's a very important aspect of your body.
है ना तो लोग जीवित हैं लेकिन वो बैग लेके ही जीवित है लेकिन बट इफ यू गॉट अ कैंसर व्हिच इज लेटेंट पता नहीं चलेगा आपको कि क्या करेगी वो सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बाल कैंसर बहुत कॉमन हो गया है बहुत कॉमन हो गया है वेरी कॉमन बिकॉज परम जी हम भी वी डू बेरियम एनेमास एंड आई सी बाल कैंसर एवरी डे एंड यू एंड आई विल नॉट नो इवन वुडन्ट इवन नो अनलेस कि फैमिली हिस्ट्री है या तो फिर बट फूड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन गेटिंग अ बाल कैंसर अगर आपके फैमिली हिस्ट्री नहीं भी है दैट डजंट मीन यू डोंट हैव इट आपको जरूरी होगा तो हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे उससे पहले केक काटेंगे हम और फिर हम आएंगे कि बताएंगे छोटे छोटे सिम्पटम्स जो होते हैं आई थिंक बाउल कैंसर के इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हाउ डू यू कैन पिक इट आउट फ्यू सिंपल थिंग्स हमारे लोगों में इंडो फिजियंस में काफी अभी incidence increase ho gaya yes oh bilkul I mean everything I mean hamara it used to be just diabetes blood pressure heart yes but jo bowel cancer is perhaps related to our diet aajkal ye normal ho gaya hai na list pe dekhoge medication ka cresto hai aur you know kavia hai और यू नो व्हाटएवर दी आइसक्रीम और ये सब होता है ना आजकल कॉमन डी कॉमन है लिप्टो यू नो ओके बट यू वोंट सी अदर थिंग्स ना हमारे पास पेशेंट्स आते हैं वो मेडिकल हिस्ट्री होता है ना हम उसको आगे से पूछ लेते हैं आई गिव देम अ लिस्ट ऑफ मेडिकेशंस 6-7 उसमें से डेफिनेटली इफ दे आर ओवर 50 यस हाफ में वो रहेंगे ये हां यस यस मोस्ट ऑफ देम ब्रिंग अ लॉन्ग अ बिग चार्ट सही नाइस देन से इसमें से लिख लो इसमें से लिख लो सब तुम देख कर आजकल लेके चलते जो थोड़े से यू नो पढ़े लिखे वो ज्यादा नहीं है लेकिन कुछ भी है वो लिस्ट रखते ऐसे सीधा दे दे लिस्ट आपको कि ये लिस्ट में से काटो क्या चाहिए इतना ढेर होता है हम लिखते नहीं है वी स्कैन द होल थिंग सो गाइस लेट्स कट द केक एंड इट्स डॉक्टर्स हैप्पी बर्थडे वन यस थैंक यू गाइस आई रियली रियली अप्रिशिएट दिस सो ही इज सरप्राइज हाउ फार यू अवे फ्रॉम द हिप रिप्लेसमेंट डॉक 11 इयर्स 11 इयर्स ओके To 17 aapke free bone density kar denge hum and good luck to everybody Make sure it doesn't touch the good bottom otherwise you got a kiss no ji thank you very much and ye mera cake hai ladies and gentlemen we'll take a little short break and eating the cake and we'll be back shortly my cake for today thank you हम बहुत बिजी थे कई काने में बहुत सारे नॉइज हो रही इधर और साथ साथ में हम मनोरंजन कर रहे थे और मनोरंजन करवा रहे हैं आपको और आज हम बातें कर रहे हैं किस चीज के बारे में गाइस हेल्थ हेल्थ शुगर लेवल थोड़ा ऊंचा जाएगा थैंक यू गाइस फॉर द लवली केक रियली हाइपो हाइपा सॉरी हाइपा हो जाएंगे कोई बात नहीं नाइस केक थैंक यू थैंक यू एंड लगे हाथ आगे बढ़ते हैं हेल्थ के बारे में सो जैसे कि मैंने पहले फरमाया था कि दिस मैंने अच्छी तरह से कंसीडर किया फैक्ट कि काफी लोग ये बोलेंगे कि कोलेस्ट्रॉल है डायबिटीज है ये सब बीमारी के बारे में बातें करेंगे डिजीजेस के बारे में बातें करेंगे लेकिन ये डिजीजेस इज आई थिंक द बिगेस्ट जैसे कि मैंने कहा था कि कैंसर जी वन ऑफ द बिगेस्ट डिजीज एड्स अगर आपको पकड़ेगी तो आपकी जिंदगी जो है आजकल प्रोलॉन्ग हो जाता है दे गिव यू मेडिकेशंस And I think you can pull about 10 years to 15 years on antivirals A or T cells. I think that's the biggest killer disease at the moment rather than any other. Baki sab controlled hai. Acha Ebola ka kya hua? Controlled ho gaya? I think it's stabilized. It's controlled because stabilized. But it can outbreak anytime. Anytime, yeah. So different state. But I think still AIDS is pretty content at the moment. Some of the things is abhi Ebola jo hai swine viruses. This when they go, they take a lot of population out, no? Yeah. And it can be epidemic. The other thing I've noticed, Fiji mein cancer rate is very high. Cancer rate is very high. I don't know. I think part of it is diagnosis. Yeah. Look, apparently a lot of people, as you said before, late diagnosis, na. So mortality high hota tha. Aajkal people ka awareness ho gaya hai. So maybe it's just a statistical thing ki log jaldi usko pakad lete hain. Plus diet has changed. Yaad karna hum to myself I've been in Australia 25 years to maine ab chhoda tha 25 year old wahan par ab 50 years ka ho gaya hoga so doc when you first early diagnosis when you first come to a western world in a country like this yahan par kaun chi hai I remember coming in the 80s beer party soca barbecue charbi chale pura fatafat ghare you've got about 4 days of meat being cooked true or not yes you won't see vegetarian bhai fiji mein khat khat gaya bhai na but these are the things you see na
all the yeah. chemicals you absorb. Well, that is one of the products. Reasons. हम देखते हैं कि Western society में bowel cancer is a very big thing. और क्या दो sigmoid column होता है जो हमारा end bowel का end होता है वो उसमें सबसे ज़्यादा cancer हमारे sigmoid colon में होता है. And the reason is simple because जो जितना हम मीट हम खाते हैं और जितना फूड हम खाते हैं उसका जो बाय प्रोडक्ट्स वो है वो जाकर सिग्मोइड कोलन में बहुत देरी तक बैठता है तो जितना हम मीट खाते हैं उसका जितना कार्सिनोजेनिक एजेंट्स होता है दैट इज़ वेयर इट इज़ रिलीज्ड तो फिर हमें क्या होता है यू नो डायबिटिकुलम हो जाता है क्रोन्स डिजीज है सब और बाउल कैंसर स्ट्रेट हुए लॉट ऑफ पीपल हैव बाउल कैंसर ऑफ दैट एरिया जैसे हमारा इंटेस्टाइन जो डिजाइंड हुआ है जैसे और हमारा इंटेस्टाइन इतना लंबा है 32 फीट शायद या अबाउट 32 फीट ना वेरी लॉन्ग तो क्या होता है कि थोड़ा लंबा होता है द फूड गोज इन सिट्स देयर फॉर टू लॉन्ग वेयरएज अगर तुम कार्निवोर्स किसी एक कुत्ते को देखो पुसी के देखो दे चेन फूड लाइक लाइटनिंग छोटे से इंटेस्टाइन है छर से निकल जाता है हमारे इंटेस्टाइन में बैठा रहता है तो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन बिकॉज जितना हम मीट खाते हैं जितना हम प्रोटीन खाते हैं स्पेशली मीट ये हमारे सिस्टम में बहुत देर लग रहा है सिस्टम इज नॉट एबल टू डाइजेस्ट इट प्रॉपर्ली एज वेल सो दैट इज़ वन ऑफ द वेरी कॉमन रीजंस ऑफ यू नो हैविंग बाउल कैंसर्स मनोजी जी वो जो हम अगर फाइबर नहीं खाते हैं टू हेल्प पेरिस्टोलिस चैन जो हमारा जो स्टमक का ऑटोमेटिक मूवमेंट होता है ना तो इट्स स्टेज लाइक अ स्लज इट हैज बीन शोन फॉर समटाइम्स दो तीन साल रहता है कब्ज बोलते हैं जो सिग्मोइड और सिग्मोइड कॉलोन क्यों बोलते हैं बिकॉज इट्स एस शेप जो लास्ट बीट होता है सिग्मोइड के मतलब एस तो उसका जो बेंड होता है जिसे प्लमिंग में एस बेंड नहीं होता है बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ पर जाके वो रुकता है तो जो प्लमर्स एस बेंड नहीं लगाते तो जो ट्रिप नहीं होता है लगा देते हैं ना तो स्मेल नहीं आता है तो हमारा सिग्मोइड कॉलन इज अ वेरी डेंजर एरिया ऑफ अ बॉडी वेरी डेंजर कब्ज बोलते हैं और जो कॉन्स्टिपेटेड हो जाते जो फाइबर नहीं खाते दैट्स वर्स सम पीपल डोंट हैव बाउल मूवमेंट फॉर डेज टू थ्री डेज एंड यू कैन वेरी वेरी इजिली ऑब्जर्व आपका जो जो यू नो व्हेन यू गो टू द टॉयलेट यू कैन ऑब्जर्व कि अगर आप टॉयलेट नहीं सवेरे जा रहे हो योर बाउल मोशन इज नॉट गुड यू नो देयर इज अ प्रॉब्लम यू नो देयर इज नॉट टू वेज अबाउट इट दैट्स व्हाई हम देखते हैं जो बच्चे होते हैं यू नो व्हेन दे ईट टू मच मैकडोनल्ड्स और फास्ट फूड They have this constipation and you know things with bowel obstruction and things. Some males who just strain करते toilet में जाते हैं मतलब है कि करना चाहते लेकिन होता नहीं है ऐसा ना हाँ तो मेरे काल के भी देखा पानी नहीं पीते enough ना और the fishes are very क्या बोलते हैं thick ना you get hemorrhoids after I was going to say and this when you get it's all a big so fibrous foods are very important fibrous foods are there vegetables khana chahiye mein there fruits khana chahiye jaise cereals hai usme fiber hai all the things that are fibrous are very important in your diet ab main ek trick bataunga hamare jo log hamare umar ke hai which is like 50s mein hai early or late dribble karta hai tum na ji to jo papita hai na usko lays mein khaiye during the day if you're constipated ब्रेकफास्ट के खाओ लंच के बाद एक और लया थोड़ा सा एक पीस पपीता खा लो फिर डिनर से पहले खाना खाने से पहले आई डोंट नो व्हाट द साइंटिफिक बेसिस इज बट मैं पर्सनली एक्सपीरियंस किया व्हेन आई वाज हैड अ बिट ऑफ बाउल प्रॉब्लम एंड देन यू फाइंड कि बिकॉज उतना लया में 32 फीट में से आप डिवाइड बाई 3 कितना होता है 10 11 तो 10 10 फीट में थोड़ा आपको ब्रेक मिल जाता है इट हेल्प्स वेल आई थिंक जैसे कि मैंने पहले फरमाया कैंसर एक तो है बाउल कैंसर दूसरा है ब्रेस्ट कैंसर तीसरा है प्रोस्टेट कैंसर दिस इज अ वेरी किलिंग डिजीज व्हिच इज अंडरलाइंग बाउल कैंसर भी है ब्लड कैंसर भी है पीएसए के बारे में मेंशन कर दे परम जी ब्लड कैंसर्स भी है व्हिच यू विल नॉट नो तो कैंसर जो होती है अनलेस वुमेन दैट डोंट नो कि उसको ब्रेस्ट कैंसर है द ओनली इश्यू इज कि आजकल यहां पर आई थिंक 40 अबव कंपल्सरी है फॉर मैमोग्राम टू गो बट डू चेक योर सेल्फ यू नो इट्स योर बॉडी डू चेक योर सेल्फ कि आपको कोई ऐसा लंप कहीं पर ना जस्ट आपकी जो ब्रेस्ट में है बट अन्य इलाकों में भी आपका लंप्स होते हैं मैन ऑल्सो हैव ब्रेस्ट कैंसर यू नो दैट तो ये सब लंप अगर इट इज़ वेरी यूनिक टू योर स्पाइस फील पेन ज़्यादा आपको होगा तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप निरीक्षण करवाएं इसका जहाँ भी कहीं एपिथेलियम है whether it's male or female, वहाँ पर कैंसर हो सकता है अगर आपको प्रोस्टेट का कुछ males also can get so people might be surprised when you said that अगर आपको प्रोस्टेट का कुछ इश्यूज है तो यू नो आपके पेशाब बराबर नहीं आएंगे कुछ प्रॉब्लम्स उस पर होगी You will find out slowly through the symptoms आ जाते हैं
और आप अगर वीक फील कर रहे हैं थोड़े से वीक फील कर रहे हैं यू नो यू शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यू गो टू डॉक्टर दे विल चेक योर आयरन लेवल वगैरह चेक करेंगे आई थिंक द वर्स्ट कम्स टू कास्ट आपको ईसीजी करेंगे ट्रेनिंग में इंपॉर्टेंट थिंग है कि एवरी ईयर यू शुड हैव अ हैव अ चेकअप डन टू हैव सम एश्योरेंस बिकॉज कभी कभी लोग डिनायल में रहते हैं दे बोलते हैं कि मुझे ना मुझे नहीं जानना है नो दे से मुझे नहीं जानना है बिकॉज मैं जान जाऊंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा लेकिन जब लोग जैसे बहुत लोग जो स्मोकिंग करते हैं ना दे कम टू अस तो बोलते हैं कि अगर अगर कुछ होगा तो हमें बता देना हम कुछ करेंगे तो मैं बोलता हूँ अब क्या करोगे जब हो जाएगा तब क्या करोगे यू शुड स्टॉप टुडे अगर नहीं भी रहेगा यू डोंट हैव एनीथिंग प्रॉब्लम इन योर लंग्स दैट डजंट मीन यू गो एंड स्मोक अगेन यू गॉट टू स्टॉप टुडे बिकॉज व्हेन यू गोना फाइंड इट इट्स टू लेट एंड आई ऑलवेज से टू पीपल यू नो सब कुछ बोले बोले अरे खा लो एक रोज तो मरेगा बोले बट डोंट डाई स्लोली प्लीज डोंट डाई स्लोली एंड द वे टू डाई स्लोली इज इफ यू गॉट कैंसर सफरिंग दैट्स द बिगेस्ट सफरिंग हार्ट अटैक है गया निकाला निकाल के दस थ्री लाइफ लाइन्स यू नो एक बार हुआ दो बार हुआ थ्री लाइफ लाइन्स बेसिकली अगर आपको हार्ट अटैक कंडीशन है दे विल टेक आउट द नर्व दे रिप्लेस इट तो अगर यदि आप किसी भी इलाकों से अपना नॉर्मल नर्व्स निकालोगे रिप्लेस करने के लिए तो नेचुरली आपके अलग मूवमेंट्स कम हो जाएंगे ना सो द फीमरल आर्टरी दैट गोज विच इज़ वेरी कॉमन दैट दे चॉप अप आपका सर्कुलेशन आपके पैर के बारे में पैर की ओर बहुत ही कम बिकॉज दिस लिमिटेड यू नो सबकी गोड़ पिराया लगे ई है ऊ है ना So very important is the cancer. So, we don't think of all these things in our daily life. Yeah, the other thing is these things are part of the life. Remember, कभी कभी हम कितना भी healthy रहते हैं, cancers can hit us. Any disease can hit us. The main thing is yes, you still gonna take because सभी चीज़ हमारे जो शुरू होता है, most of the diseases that starts from our stomach, and the reason is because of the food. That's not the only reason the disease process starts. There are other factors as well. Lekin the important thing is your management as well as abhi kya kar rahe ho. If you don't have any disease, that's fine. But you should always protect yourself. You should always make sure you're eating healthy. You're having your sleep on time. You're having a regular checkup with doctors. And you're always drinking water, as doctor said. So those things are, alcohol is another big thing that's just causing a problem with a lot of people. Major liver cirrhosis or excess intake, especially spirits. Fatty liver kar deta hai. And liver cancer, of course, exactly, follows on. Yeah. Our जो simple खाना है, that's the best. साधारण सादा खाना बोलते हैं ना, तेल कमती हो, मसाला कमती हो. And the timing of the food is important. बहुत लोग रात को बहुत खाना खाते हैं. ये हमारे एक problem है functions में रात को खाना serve करें इसीलिए. And I think it plays a lot of important factors on your age as well, because when you're young, you don't think of all these things. रात के चबा अरे कस के भात भर लो वही में दाल छोड़ लो वही में भुजल ही छोड़ दो भुजल मुर्गी वही सब चीज छोड़ के सब एक के में. Remember we had higher metabolic rate. Most of us we played sports, so khata next day we're hungry again. Didn't matter, na? Once you eat 40, I think that's. I think 30 is the age, man, these days. 35 is the knowledge, and the new 40 is the new 30, na? Mm-hmm. But it is going that way. Traditionally, world is going that way. Yeah. But health is going the other way. इसमें क्या होता है कि जो third world countries में हम देखा जाते हैं वहाँ पर जो nutrition levels होते हैं जो education level दो you know वो सब बहुत कम होता है फिर facilities of medical as well तो हम जैसे Fiji में देखते हैं कि जो लोग Fiji में रहते हैं वहाँ का जो environment है वातावरण है और जो खा रहे हैं with the also you know with the mingling of other people and lack of knowledge वहाँ पर लोगों को heart attack और ऐसे बीमारी बहुत हाल ही से आ जाता है you know I had a friend I knew He died in his 20s in a heart attack. Of course, so, uska jo his family went to visit, and he was younger to his funeral, and he died with heart attack as well there. And he was still young. Yeah, my friend of mine, 27, he died. No heart condition, but he had gastritis, big time. So, jaise Fiji mein hum dekhte hain ki, you know, one, it's an affordability as well, na? Phir awareness nahi hai. Phir dusra cheez hai ki wahan par ek cheez maine dekha hai. Sir, jo log kaam karte hain, I was talking to a taxi driver, to wo mujhse bola, you know, I don't get time to eat. तो मैंने बोला भाई यू नो यू हैव टू टेक सम टाइम सम वे टू स्टॉप योर कार एंड ईट बिकॉज योर न्यूट्रिशन इज सो इम्पोर्टेंट सही कहा यहाँ पे सिडनी में आप टैक्सी ड्राइवर ट्रकीज को देखेंगे व्हाइल दे ड्राइविंग वो सैंडविच खाते रहते हैं बाइक मारते रहते हैं गाइस द क्वेश्चन है क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ व्हाट डू यू थिंक इज द मोस्ट कॉमन डिजीज इन अस फिजी इंडियंस डायबिटीज ये सब छोड़ के हार्ट अटैक में ये सब छोड़ के ये सब छोड़ बहुत कॉमन डिजीज है ओके जिसे को भी पकड़ो आप उसको वो है गैस्ट्राइटिस आई थिंक 80% ऑफ द पॉपुलेशन गॉट गैस्ट्राइटिस आइडियाज
I think it's mostly, personally speaking, is eating at late at night. Khana wahan pe rehta hai, reflux hota hai, it comes up and heartburn hota hai. To fir utke fridge khol ke malenta khao, pio. I think so. Late eating or spiciness and oil, spice and oil. I think one of the other reasons could be they're not eating food on time. Because kya hota hai, when you don't eat food in time and when your acids are released, right, it's like a fountain, right? It releases. So kya hota hai ki jo bowel jo khana nahi hota hai, the lining hota hai. Acid is, how strong is the acid? Very strong. I think pH is about 4 something. 5.2 or less. Less than that. Uh-huh. Less than 5.2. Yeah, probably that. Four second hota hai, yeah. Three or four. So you imagine neutral being 7, people. Seven. Alkaline, jo the hydroxide is 7 to 14. 7 se niche acid ho jata hai. So if you're saying 1, that's highly acid. I think dogs ka jo stomach is 1 or 2, very probably acidic. I think 3 to 4 somewhere. 3 to 4 round about, under 5.2. Yeah. So kya hota hai ki jab khana nahi rehta hai, to it destroys the walls, na? तो उनका भीतर सब घाव हो जाता है. We don't see it, लेकिन सब घाव सा हो जाता है. And then there is a lot of also क्या बोलते हैं उसको, then people start burping, ना? और फिर क्या होता है, also herniation भी हो जाता है. बहुत लोग को gastric hernia होता है, नहीं जानते नहीं. बगल में balloon की तरह इसे बाहर देता है और वो lungs में ऊपर आ जाता है, ना? It comes balloon की से दबाओ. That's why बहुत लोगों को जब पिराता है तो वो समझ नहीं पाते छाती पिराता है कि is it heart attack or is it gastritis. pH is 1.5 to 3.5. yeah, human का more towards the higher of the 3 or whatever it is. 3.5, yeah. Wow, it's quite big. So I think देखो Fiji में it true कि a lot of people that don't eat food on time, jise abhi raat ko bhi, you know, our body knows when it wants food because apko, you know, if you give it on time, it knows, it knows its timing. But raat ko agar log jaise baith kar Fiji mein nawana peete hain na, to jo aurat hoti hai ghar ke bahut acha se khana bana kar sham ko 6 baje rakh deti hai, sab top kar rakh deti hai, wo khayenge nahi. Lekin wo aadmi jo hai wo to 1 baje aata hai, fir 1 baje kaun khana khayega? तो बहुत लोग नवाना पी कर फिर हाथ भी तरह से ढक कर फिर वो निकालते हैं ना, देन यू नो हाउ मच इट अफेक्ट्स योर बॉडी. रोमन लोग करते थे पहले उसको सेम थिंग. तो यू डोंट ईट फूड, राइट? तो क्या हुआ, आप जो आपका बॉडी ने जो न्यूट्रिशन मांगा था, यू हैवंट गिवन इट. गाइस लुक, यू नो एवरी टाइम यू टेक समथिंग इन योर स्टमक, द स्टमक सेंसेस देयर इज फूड, इट रिलीजेस द गैस्ट्रिक जूस एवरी टाइम, कुछ भी. तो अ बाल ऑफ ग्रोग इज आल्सो गोइंग टू योर स्टमक और इंसिडेंटली अ बिया. और कुछ भी आप खाते हो कहीं से ही, तो ब्लड स्टमक विल सेंस कि कुछ आया है, तो द गैस्ट्रिक जूसेस आर रिलीज्ड. एक्चुअली परम जी, आप कुछ मुंह में भेजे से रखे, सलाइवा शुरू हो जाता है. ब्रेन थिंग्स यू गिविंग फूड. आप सोचो, अगर आप बाउल ग्रुप पे बैठे हो रात के, खाली पेट है, खाली पेट है, तो अगर एक बाउल लिया, सपोजली कितना देर में चले कर रहा हूँ, बाउल नो ना तालो मार 5 minutes 10 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 minutes
अगर सोचो सो लेट्स पुट अ फिगर टू इट से प्रॉब्ली अबाउट कभी कभी लंबा स्टोरी चलने लगेगा तब अच्छा एवरेज 5 मिनट्स तक 5 मिनट्स बहुत लंबा खींची तो रात की जैसे डोप मार दे तो कल लंबा खींच लेंगे ना बोला अच्छा 6 मिनट्स भी करेंगे एक घंटे में 10 बॉल्स 3 घंटे में 30 बॉल्स ठीक है नहीं नहीं वो एवरेज और भी होता है 5 मिनट में 5 मिनट में इज आई थिंक 2 मिनट्स 2 1/2 मिनट्स अच्छा हम So 10 per hour, 3 ghante mein 30 bowls. Mm. But so every time they sip, it goes into your stomach. So the body gastric disorders karti hai because like, aaya, khana aaya. Patak se really. Bhao, bhao, pakdo isko. Digest karo na. So every time they do that, and most of the guys that drink grog, you know, dhakar lete re. So this is why it is. Because this is why they get ulcer, because of the conditions, na? Apne aap ko us kaam mein dalte hain. Aur uske alawa fir nahi hai, sutta agar maar diya to aur bhi problems hoti hai na. Fizzy drinks iske liye bhi bahut kharab hota hai. Fizzy drinks, people drink a lot of fizzy drinks. Okay, let's take a little song break and we'll come and we'll touch a little bit on thode se jo diseases ke bare mein hum log ne baat ki that ki hum kis tarah se wo counteract kar sakte hain halka sa ki mera environment jo hai wo bahut important hai quickly we'll take about 4-5 diseases and name one jise ki aajkal bahut common hai and we'll take a little bit of that and you know and we'll read on that so guys today doc aapka janmdin hai happy birthday once again thank you very much aur hum tune kar le kon gana wait kar bhi dekhi aap taiyar ho ja
जन्मदिन पर लेट नाइट था खरखर है वॉइस कोशिश करेंगे कोशिश से मेरा भी तो था शुरू में आई कुड फील माय वॉइस टू इन द बिगनिंग थोड़ा है कौन जी खरखर है It's the weather. Bari party tha, Shane or party Daniel. Yeah. He had some whiskey so yesterday. Congratulations no, I didn't. Gulab and family. Gulab and family. No beer. For their son and daughter-in-law. I had few vodkas. Oh, did you? Shane or Daniel. I should have had a couple. Reception last night. Abhi tak microphone nahi aaye. Oh, nahi system chal rahi. We are still live, guys. function was calling, calling for. एक मिनट डॉक्टर आप जरा हेडफोन लगा लीजिए और थोड़ा सा पीछे खड़ा होजिए अगर आपको सुनाई नहीं दे रहा आपकी आवाज मैं वॉल्यूम ऊपर करता हूँ आप लोग थोड़ा बैकअप में रहना फेमस शमी कपूर सॉन्ग है कोशिश करते हैं थोड़ा ओल्ड गोल्ड है होप आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा बट डॉक आप अपनी आवाज आपकी आवाज आपके हेडफोन में अगर कम है तो आपको पीछे जाना पड़ेगा वहीं पर ठीक है बट अपने हेडफोन आप जोर कर सकते हैं डॉक अभी ट्रैक खोजता हूँ इसका ट्रैक कितने गया हम लोग अनप्लेन्ड हमेशा रहते हैं क्योंकि हम ये लाइव करते हैं एंड हम इन लोगों को This is why, guys, you get to see all the little things that hum log karte hain. This on, na? Yeah. Thodi si, you know, we're not prepared always. Can you hear? And it's good to have life because taki log sun sake aur jaan sake ki hum log life pesh kar rahe hain. Aur whatever mistakes we do, I suppose it's all life as well. And it's a good thing. But abhi tak track doctor ka bhi lag nahi raha hai. Speed kidhar gaya kitne? Oh, it is. Not the one, dog. Not the one. Dog, aapne bola track 5, na? 6. No, usme ek side mein ek switch hai. On the side, there's a switch there. No. Haan, chota wala. Chota wala. B ke niche. The other side. That's the one. Yeah. Umar ke saath abhi hum log kya hote hai jaise se umar. Doc. Press nahi tha. It's a slide. Oh. Okay. No, kaane dukta ke press bolta hai. Ulta bata tha bichara. It's okay. Press bata isi long karenge. Koi baat nahi. Acha, aapki awaaz sunai de raha hai? Acha, handsome lag raha hai. Hamare doctor saab gaayenge. Thoda sa ithe ho jaiye doctor saab. Aap kaun sa track ready? नंबर सिक्स अच्छा ठीक है इसमें थोड़ा कम है मेरा हाँ तो वो नीचे जोर कर लीजिए अपनी आवाज आए हाँ नंबर आपका वन है सो लेडीज एंड जेंटलमैन दिस इज डॉक्टर इज गोइंग टू डॉक्टर कौन सा गाना बता दो हमारे श्रोताओं को ये शमी कपूर का है योर फेवरेट ना दिल लगाने वाला गाना है ओके हियर वी गो बेटे को दिल लगाया आज जी हां जी सेना किसी से ओह वेरी नाइस किसी से कभी न कभी कहीं न कहीं दिल लगाना पड़ेगा हो किसी न किसी से कभी न कभी कहीं न कहीं दिल लगाना पड़ेगा हाँ किसी न किसी से कभी न कभी दिल लग गयो भैयो एक से एक हसीन चेहरे हैं किस किस को किसको इनमें अपना समझूं संग मैं अपने ले लूं रंगीली छैल छबीली कोई रंगीली रसीली छैल छबीली
किसे कहते हैं, कौन वो किस्मत वाले हैं जो लोग वहां रहते हैं, मुझको मेरे दिल लेके वहीं चल, मुझको मेरे दिल लेके वहीं चल, आए जहां हाथ कोई रेशमिया चल, हाँ किसी ना किसी से कभी ना कभी कहीं ना कहीं दिल लगाइयो भैयो, किसी ना किसी से कभी ना कभी कहीं ना कहीं दिल लगाना पड़ेगा। ऐसी नाजुक हो वो जिसका शबनम मुँह धोती हो, चांद भी सदते होता हो जब रात को सोती हो, आँख शराबी काल गुलाबी, आँख शराबी शराबी काल गुलाबी, प्यार से संवार दे वो जिंदगी मेरी, हाँ किसी ना किसी से कभी ना कभी लगाना पड़ेगा, किसी ना किसी से कभी ना कभी कहीं ना कहीं दिल लगाना पड़ेगा, किसी ना किसी से कभी ना कभी कहीं ना कहीं दिल लगाना पड़ेगा। लोग हमेशा ये कहते हैं ना डॉक्टर बोले से फिर पैसा बनाए मांगे, दैट्स नॉट द पॉइंट, द पॉइंट इज योर हेल्थ, इट्स इंपॉर्टेंट। आई मीन यू शुड गो, आई मीन इफ यू गॉट अ कंडीशन एवरी थ्री मंथ्स और एवरी सिक्स मंथ्स यू शुड गो, आई मीन द फूड यू ईट इज द थिंग यू गॉट टू लुक एट एज वेल, व्हाट आप क्या खाते हैं किस समय खाते हैं एज वेल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑन द इंडिविजुअल, बिल्कुल, यू नो अगर इफ यू मेकिंग एक्सक्यूजेस दिस एंड दैट, देयर इज नो एक्सक्यूजेस फॉर एनीथिंग, आपको यू नो यू गॉट टेक दैट एक्शन एंड डू समथिंग अबाउट योर सेल्फ, और कोई नहीं करेगा, यू नो डॉक्टर कैन से टू यू ऐसे खाओगे ऐसे, बट करना तो आपको है, बिल्कुल, वी कैन पीपल कैन एडवाइज यू, वी कैन एडवाइज यू एज वेल, इट्स नो यूज एडवाइजिंग बट यू डोंट टेक एक्शन ना, बिकॉज वो एजेंसी आपको होना चाहिए, जैसे हम बात कर रहे थे अभी कि द एजेंसी इज, जब कुछ आपको हो जाए देन यू डोंट टेक, अभी एजेंसी ऐसा होता है कि अगर आपको कहीं जाना है then you think you have to go there, then you have to go there, there is a consequences behind it. Jaise farz kijiye aapko number 2 lagi hai, to you kahin par gaadi rok ke to jana padega, because why you have to go, because aap nahi jaoge to kya hoga, right? But agar aapko jaise Vishwaji ne bulaya hai, if you know that there is no consequences, aap bologe nahi main aaunga, kuch nahi hoga na, but if you know there is something attached to it, there is something like abhi hum jaan gaye ki hame diabetes hai, would you then start eating things which is healthy? Yes, you're gonna, because you know the consequence, you're gonna die. डर हो जाता है। But जब आपके पास कोई ऐसे consequence नहीं होता, कुछ नहीं होता है, reason नहीं होता है, गला चल जाएगा, जब आएगा तो देखोगे। That's a bad thing. That's the thing that you gotta stop. And then फिर हमें पछतावा आता है बाद में। Prevention is better than cure, ना? और वे कहते हैं कि ओ मैं ऐसे पहले कर लेता तो I wouldn't have gone through this, ना? Regret आ जाएगा। Regret and पछतावा बोलना है। एक चीज मैं जल्दी से कह दूँ before Chief Repsa कि हमारा जो मानसिक संतुलन जो मेंटल हेल्थ है, स्लीप से रिलेटेड रहता है, स्ट्रेस से, फैमिली स्ट्रेस, बिजनेस स्ट्रेस ना, स्ट्रेस इज अ बिग किलर। सम पीपल हु आर वेरी हेल्थी सब कुछ ठीक रहता है, एंड देन दे बिकम स्ट्रेस, दे एज वेरी क्विकली एंड इट अफेक्ट्स देयर लाइफ। सो बिसाइड्स फिजिकल हेल्थ,
mental health is a major problem in Australia. Depression, suicide, I think 1 in 5 person is diagnosed with stress. So when we look at health, we normally look at our kidneys, our eyes, liver, eye test karana chahiye, brain dementia, lekin jo mental health hai, very important. Some people are so busy making money and achha cheez hai na, shaas mein likha hai. That's one thing I admire about you, Doc. That's seriously, I mean, not because you're a friend of mine. That's one thing I really admire because you full-time job aapka hota hai, aap Sunday ko time nikal ke phir music kar lete hai, phir music lessons bhi idhar udhar aap le lete hai. Nahi, it's very important. It is very important. You take out of your busy life mein se bhi, yahan dekho Dr. John Show mein dekho pocha rahe. Some people might think he's a bhagal puchare, but it is your status of mind is good, no? Very important. Log se milte hain. Aajkal kuch thoda hum advice bhi dene lagte hain. Jada. To kuch log sochte jada, lekin agar hamare paas knowledge hai, then it's important. Of course, you should share. आप मुझसे कभी कभी बताते हैं when we discussing कि ये सुर वगैरह because you know जो जानता है बताएगा उसको सुनना चाहिए तो इसीलिए हम लोग कभी कभी जाते हैं just to support और सीखने के लिए जाते हैं ना कभी कि हमारे उस्ताद लोग गुटार ढोलक तबला बैठे रहते तो हम भी जाकर देखते कि भाई इस तरह तिरकित मारा हमारा गुरुजी ना स्ट्रेस रिलीवर होता है ना यू टेक योर माइंड आउट ऑफ व्हाटएवर यू डू एवरी डे जैसे कहते हैं कि स्ट्रेस रिड्यूसेस अबाउट 5 or 6 years ऑफ योर लाइफ सो इफ यू आर यू नो मैनेजिंग दैट पार्ट ऑफ लाइफ यू हैव इंक्रीज योर life expectancy for another, you know, 5 to 7 years. I'll share a bit of a thought of my experience in life. I used to get sick very quickly. This is going back 10 years ago. Koi chikha agar ya kuch bhi kara, I used to get sick very quickly. I was in a very stressful relationship. Immune system would have been so stressful zero. Relationship. I was doing sports. I was not eating well. I was, you know, eating late at night. We have, you know, daru, sharu, itadi. So the whole mahal was there. The whole killing mahal was there. So this stressful situation is one which is, you know, mental status, it affects you. Very important. And I wasn't sleeping well. I was a little bit heftier weight-wise. I was. So all these things pushed my sugar level up a bit. And I knew that in my family history, if I don't control it, the doctor said, look, you have to see. तो इस उम्र में अगर आप देखो तो ये होना नहीं चाहिए तो रात को अगर भात खाते हो 11 बजे 12 बजे रात कर बैठ के खा लेते हो क्योंकि हमने सोकर खे लिए दैट इज नॉट गुड बी आर दिस एंड दैट उसके साथ में जो भी चीज जाती है उसके बाद में फिर खाना हाई कार्ब्स सो दिस वाज स्लोली गेटिंग टू मी तो मैंने सोचा यार जब देखो तो कोई खास ही बीमार पड़ जाता बीमार पड़ जाता देन आई सेड नो देयर हैज टू बी समथिंग रॉन्ग डॉक्टर के लिए जाओ तो क्या करेंगे वो सीधा एंटीबायोटिक लिख के देंगे एंड एंटीबायोटिक इज नॉट द रेमेडी फॉर फ्लू It is not. It's a secondary infection. तो हम लोग जाते हैं ना डॉक्टर दवाई दे दो हम लोग बोलते हैं डॉक्टर को दवाई दे दो सीधा ना but basically डॉक्टर भी क्या करे बेचारा वो आपका दोस्त स्क्रिप्ट लिख के दे इसके बारे में सोचा कि कभी-कभी डॉक्टर के पास हम जाते we expect them to give something और नब नहीं देंगे बोले नहीं कुछ नहीं कुछ दिस नहीं खाए क्या ना फिजी में बोला तो सुई नहीं लगाई बट इट्स अ वेस्ट सुई भी लगा दी बोले डॉक्टर अच्छा है बोले एक सुई मारी राइट हो गया मोस्ट ऑफ द टाइम एक दी एंटीबायोटिक मरियम ठीक ही गया बोले बोले ठीक ही गया ऑन द स्पॉट यस वेरी गुड पॉइंट वी गोइंग बैक हिस्टोरिकली 50 इयर्स के बाद कर दिया हमने दिस थिंग सी मेंटली अगर आपको बीमार इफ यू सम sneezes you know you're going to get sick you will get sick to aapke jise aapne farmaya ki agar aapka mental status is nahi theek hai to aap kisi ne chheka to are bimar pad jayega bas very much bas aadha ghante baad ek ghante baad your next day you are sick so and for the last 3-4 years I have not taking flu shots so my life started with eating well and exercising so when I started eating well and I started exercising I was sleeping well man तो लोग कहते हैं यार 12-2 बजे घर जाते हो फिर नेक्स्ट डे आप सुबह स्टूडियो में होते हो कैसे ऐसे होते यू लुक बेटर एंड यू फील बेटर यू फील बेटर ना तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि डिजीज किल करने के लिए आप जान लेना बहुत ही जरूरी है कि यू गॉट ऑल दिस प्रॉब्लम्स हैपनिंग इन योर लाइफ है ना कि हाँ खाना है हमें परहेज करना चाहिए एंड आई से द एज ऑफ 30 इज द वंडरफुल एज टू स्टार्ट बट यू नो हे कम ऑन 27 अ फ्रेंड ऑफ माइन डाइड एट 27 विद गैस्ट्राइटिस एंड हार्ट अटैक हैव टू किड लेफ्ट टू किड्स बिहाइंड स्टिल यंग फैमिली तो कुछ भी हो सकता है लाइफ में कुछ भी हो सकता है ना और यहाँ ऑस्ट्रेलिया में हमारे पर एवरी सबर्ब में प्रोविजन है साइकिल ट्रैक वॉकिंग ट्रैक सुंदर से बनाया रखे ना बनाया लोग जाकर वहाँ पर कुछ चलेंगे और साइकिल करेंगे यू नो इट्स पार्ट ऑफ बिल्डिंग ऑफ एवरी सबर्ब नाउ सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट तो और बाकी का मैं कहना चाहता हूँ कि इफ यू आर ओवर 40 कुछ सारे डिजीजेज ऐसे हैं जो आपके पीछे ही फैमिली कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बट डॉक्टर से निरीक्षण सी व्हेन यू गो टू अ डॉक्टर अगर आपकी दूसरा चीज मैं ये बोलना चाहता हूँ कि दोज पीपल दैट आर फिट ऑल्सो जो यार ये लोग अच्छा बात बताया वो तो हम कर लिया सब चीज़ ये लोग बताया सब चीज़ करता है बट है व्हेन यू गो टू अ डॉक्टर द डॉक्टर विल लुक एट योर फेस वैल्यू
ए तुम तो फिट है कौन सी मत है कोलेस्ट्रॉल तुम क्या कोलेस्ट्रॉल चेक करे बोली यू फिट बट यू नो जब तक निरीक्षण करो नहीं कि भाई डॉक्टर साहब पता कैसे चलेगा आपको कि आपकी हाउ डू यू नो भरी हुई है सब ना आपकी कैल्शियम भरी हुई है सिस्टम में तो फाइज वैल्यू इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू लुक फिट द डॉक्टर्स निग्लेक्टेड वो फेस वाले देख के वो नहीं करेंगे ना कुछ बहुत लोगों का फैटी लीवर होता है इंटरनली होते हैं जैसे कि आई वेंट टू द डॉक्टर आई सेड यू डिड लास्ट डे क्यों करा हो गया आई सेड आई वांट टू डू इट तो ही मिस्ड माय एफबीसी मैंने बोला नो तो ही मेक श्योर ही रोट इट कि मैं चेक करूं वंस आई हैव टू डू माय फ्लड फुल ब्लड क्लॉट इट इज एटलीस्ट करना चाहिए तो ही देन सेड चलो लिख लेता हूं आपको नहीं भरनी है आई एम पेइंग मेडी किया लिखो दो देन ही रोट इट सो देयर वाज 2 इयर्स गैप हो गया ना तो आई लाइक टू चेक माई हीमोग्लोबिन बिकॉज आई एम मोर इन टू वेजिटेबल फूड्स दिस डेज नो मीट बहुत कम खाता हूँ तो आई ट्राई टू बैलेंस माई फूड ना तो आई नीडेड टू लुक एट समथिंग लाइक दैट तो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट नेगेटिव साइड किक्स इन इफ यू आर लुकिंग हेल्थी वेरी इंपॉर्टेंट से एक टेम है स्किनी फैट ना आपके दही में बहुत चर्बी होता है कोई बात नहीं पतरे हो हार्ट अटैक जरूर मार देगा मसल टू आई थिंक सो गाइस लुक यू नाउ इन दैट शॉर्ट नोट टू विल टेक अ लिटिल ब्रेक एंड विल कम अप come back and wrap round up the show and hopefully we'll I mean Param you next to sing because everybody's asking you to ask sing. Yes, not please. Prepared a song yeah, because time hai. Ankit your turn just sing any song I have yeah. never prepared anything kisi ne request bheja tha ki Param hum the jin ke sahare someone wants look you know I think I can get a song ready for you guys to sing all together I think let's take a little break yes let's do that back, okay I'll be back let's do that Guys, we are towards the end of our program and aaj 66 episode tha and hopefully you have enjoyed it and because the time flies the 2 hours it was shot in Egypt that was shot in Egypt the Great Piazza well that was the Sphinx na yeah the Great Piazza uska jo naak missing hai uske pehle behind the story hai na kiska naak missing hai jo oh Egypt wala jo nu tha jo Egyptians ke bhagwan isne cannon mara raha usme shayad My history is very bad. So oh, what a quick one. This year is 800th anniversary of the Magna Carta. Kunchi. BBC. Magna Carta, King John, year 1215, England, Runnymede. Magna Carta, which was a pact between the barons and him, that forms the basis of Western law. Magna Carta. Jo lawyers hai, wo Magna Carta. So 800th anniversary, bhi London, mein zor tor se uska. 800 years ka anniversary chal raha hai Magna Carta ko likhne wale only the specified few people one sided rakha fi usme se khali 3-4 facets abhi tak hai western world mein it was written on a piece of sheepskin I think so that was basically the first legal document official legal document in England to try to unite people na Well, guys, look, people have been requesting us to sing, so I haven't prepared anything for sure. So I'll ask everybody to sing this song because I think everybody, okay. I think everybody knows this song. So, आप लोग अपने अपने headphone लगा दी, दो का पूरा ले जी, आप वो वाला ले जी, अंकित जी, हमारे अंकित तिवारी है. तो आप headphone अच्छी तरह से लगा लिया, आपको सुनाई दे रहा है हमारी आवाज, आपकी आवाज आपको सुनाई दे रहा है. कटर पुटर नहीं करना चाहिए क्योंकि ये आवाज आएगी. आप अपना एडजस्टमेंट कर लो आपके नौजी जी आपका ये प्रैक्टिस है और ये गाना तो अब यू नो इट्स वेरी इजी सॉन्ग आप भी रेडी हो आपकी आवाज आ नहीं रही आपकी माइक गिर गई है थोड़े नीचे चल रहा है जोर करना पड़ेगा सबके माइक चलो भैया भैया लेडीज एंड जेंटलमैन दिस इज अ सॉन्ग जो किस फिल्म का है हम किसी से कम नहीं गाना क्या हुआ तेरा वादा रफी Yeah. One, two, three. क्या हुआ
कोशिश करेंगे लाइव और किसी ने फरमाया है कि नेक्स्ट वीक हम कोई अच्छा सा गाना लेके आए तो ऑफ कोर्स डेफिनेटली यू नो वी विल यू नो आप रिक्वेस्ट आने लगे यार कैसे करेंगे हम लोग सर मौजी won't be able to handle it yeah कह रहे हैं क्या वो एफ आर टीवी यू गॉट टू हैव इट फॉर 3 आवर्स नाउ too much pressure badhana padega na any time sorry I can't we can time dikhna padega okay ladies and gentlemen this is towards the end of the program and we'll leave you and hamari jo recorded message hai ye video hai dekhiye us par tippni kijiye please do share on because agar aap share nahi karoge to hum family kaise badhayenge aur family badhayenge to disease zyada hoga na family kam hoga to disease zyada hoga to let's not genome badhega genetic pool badhega So let's you know share the love and spread and अपने परिवार संबंधी से बताइए कि ये चार बंदे हैं जो हर हफ्ते आकर बकते हैं बकवास करते हैं और तीन घंटा अपना बहुमूल समय निकालकर बिल्कुल बर्बाद नहीं करते इस्तेमाल करते हैं it's a constructive forum and और हम हेल्थ के बारे में लास्ट थिंग है कि अगर आप बहुत ही अगर मायूस हो थोड़ा म्यूजिक सुन लो थोड़ा म्यूजिक सुन लो ना हम लोग के साथ दे लो एंड विल जैम जॉल सिंग समथिंग प्ले समथिंग भैया देखो कितना दूर से एक घंटा का सफर है बेचारा के ना आना जाना दो घंटा लग जाता ना तुम्हारा इट्स ऑलराइट सो गुड Well, in a short note, we leave you and hope you look after your health because either Sydney mein it's a winter season and chikiye to aise karke chikiye kuch rakh lijiye face mein taki handkerchief wagera iske jo mandarin ka season kafi acha hai $2 mandarin mandarin narangi khub mandarin ka vitamin c is I think very important very important aur ek note main chhodna chahta hu sabke liye if you want to live a healthy life the most important thing is you have to look after your three things equally your mind your soul in your body ye teenon cheez ko barabar dekhna agar ek ka zyada khyal karoge if you look after your body right and you don't look after your mind you'll get dementia theek hai and if you look after your soul you don't look after your body will be won't be capable to keep your soul and the soul will leave the body so the three things are very important for you BMS body mind soul and soul so sabhi ka equal equally you know look after all t-shirt banana padega na BMS FITV mein BMS
body, mind, and spirit, and soul. Very good point. It's good, and we'll leave you, and we'll be preparing more songs next week, guys. And we will be seeing you again, yahi se, live from Liverpool, episode number 67 next week. Welcome. Yep, for sure. And any thoughts before we go? Any closing thoughts that you've got in your mind? Oh, Param, we better tell everyone that Ramzan is some of the fasting is starting on the 18th. Fasting season? 18th of June. So, jitne bhi hamare viewers hai, hamare Ramzan ka mahina mana rahe hai. Happy Ramzan ka ye jo barakat mahina hai. Barakaton ka hai, yeah. There is a Ramzan ka mahina, and there is another thing that the Hindus do as well, which is starting the next month as well. I don't know, but the Gujaratis do it a lot because my wife is going to do a one-month fasting as well. Now, uska aur kuch naam hai uska. Na Karwa Chauth is around October. Yeah. Okay. Oh, no, not only 1 month ka fasting hai wo bhi. I just forgot that name. Lekin usme kya hai? You know, you break your fast in the morning. Are they doing it for the husband? Voila. No. This is something that's in. Any thoughts for next week's topic, guys? नेक्स्ट वीक का टॉपिक मैंने सोचा आप लोगों से पूछ लूं कि हर वक्त मैं डिसीजन बनाता हूं हां काफी कवर किया हमने वी कैन फाइंड वन टॉपिक लेटर वो तो है मेरे पास टॉपिक्स तो है मेरे पास बट यू नो तो छोड़ दो यार नेक्स्ट वीक ओके लेट्स टॉक अबाउट लॉ विल टॉक अबाउट विल बी निर्भर ऑन फैमिली एंड एंड स्टेट लॉज एंड ऑल दिस लॉज विल टॉक अबाउट लॉ इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट लॉ इन अ सेंस एवरीडे सेंस लॉ इन अ सेंस कि इफ यू आर गेटिंग डिवोर्स्ड उसमें क्या है क्या प्रोस एंड कॉन्स है फैमिली लॉ इफ यू गॉट किड्स फैमिली इकट्ठे इत्यादि हो रही है स्टेट्स के पीछे झगड़ते हैं अदर लॉज इफ यू बाइंग अ हाउस एंड थिंग्स लाइक दैट क्या हेल्प मिल सकती है प्रॉपर्टी डैमेज टोट प्रॉपर्टी डैमेज ऑन दिस थिंग्स टोट ये सब उसके बारे में कुछ हम बातें करेंगे नेगलिजेंस और विद ऑल द बिट ऑफ फन के हमारा काम में आ जाता है जो ना मेल प्रैक्टिस वगैरह बहुत सारे होते हैं माइट बी नाइस इफ यू कैन गेट अ लॉयर इन प्रोफेशनल प्रैक्टिस तो लंबा कर देंगे ना क्योंकि यहां पर कोई लॉयर है बहुत बीएस लॉयर है so okay so let's leave and we'll talk kuch bhi changes with the program we'll always visit our group which is on Facebook Fiji Indian group hai join kijiye aur visit our website to see what coming kya hai oh and do send us some requests if you want us to prepare some songs advance mein dal dijiye na to hum log prepare kar sake because we all got very busy life bahut sare busy rehte hum log and bahut kam waqt hai hamare paas but we do prepare so the challenge is on okay ek gana mein ant mein bajana chahta hu those who are actually watching this is nabil jimin mirtna shaukat ali that guy uska humne log abhi mujh mein kahin ek gana bajaya tha apne shayad dekhe honge the guy in a white suit I don't know if you notice it hum log bajaye the abhi mujh mein kahin is kurukshetra ek one of the programs he's actually got his own song art which is wonderful and marvelous song I love it so we'll leave you with that song and enjoy bye